साथियों, 21वीं सदी के भारत को बहुत तेजी से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना ही होगा। जितनी तेजी से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक बनेगा, उतना ही देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुखद सुधार होगा। इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो देश का बजट आया, उसमें भी इसी भावना को सशक्त किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने उसकी भरपूर तारीफ भी की। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन सरकार के डबल प्रयासों से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी और तेजी से आधुनिक बनेगी।